I think there is only one thing, one quality. If you can create that in yourself, so you will be able to achieve any goal. You will be able to achieve success in achieving a goal. और वो है quality of consistency, persistence. इस्तकामत जिसको कहते हैं. इस्तकामत फौकल करामत. कि इस्तकामत आजकल के ज़माने का सबसे बड़ा miracle है. Honestly speaking, it is true. हमारी आज ज़िंदगी social media की वजह से या हमारी इतनी fast paced ज़िंदगी हो चुकी है कि हम बहुत जल्दी distract हो जाते हैं. हमारा focus बहुत जल्दी टूट जाता है. अगर आप देखें कि जो लोग जिन लोगों ने ज़िंदगी में कोई नाम पैदा किया है या कुछ करके दिखाया है, उनमें एक क्वालिटी आप तमाम लोगों में देखेंगे और वो है क्वालिटी ऑफ इस्तकामत. इसमें सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है. इसमें आपको फेथ भी पैदा करना पड़ता है, अपने ऊपर भी, अपने खुदा के ऊपर भी, अपने गोल के, अपने पैशन के ऊपर भी. बट ये तमाम वो सिम्टम्स हैं उस क्वालिटी के, जो ये एक क्वालिटी है इस्तकामत. अगर लोगों का ओपिनियन आपके बारे में चेंज हो रहा है या आपके रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, उनकी फिक्र ना करें, लेकिन किसी ना किसी तरह आप उस चीज़ के ऊपर डटे रहें, इस्तकामत पैदा करें अपने अंदर. अच्छा, अब जब आप इस क्वालिटी को देखते हैं, इस्तकामत की क्वालिटी को, तो आप देखिए कि हमारी आजकल यूथ में क्या हो रहा है. यूथ हमारी बे इंतहा, उनके अंदर एक्चुअल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, पूरी की पूरी हमारी यूथ जो यंग नेशन है, उनको लगता है कि तमाम को ये डिसऑर्डर लाहक हो गया. क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी स्टडीज की जा रही हैं कि ये एक एक्चुअली ब्रेन के अंदर से डिसिप्लिन का जो ब्रेन को आदत पड़ती है, जिन जिन न्यूरॉन्स की वजह से या जिन ब्रेन के हिस्से एक्टिवेट होने की वजह से, ये उनके साथ गड़बड़ कर रहा है. क्योंकि आपका सोशल मीडिया आपकी एक्टिविटी इस तरह रखता है कि यू कॉन्स्टेंटली आर डिस्ट्रैक्टेड विद दिस थिंग, विद दैट थिंग. ये कॉन्स्टेंटली बच्चे जब ऑनलाइन होते हैं तो इनको डिस्ट्रैक्शंस मिल रही होती हैं. दे कॉन्स्टेंटली नीड सम काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट. ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये इनका ब्रेन उस तरह से ट्रेन हो रहा है. जब ये प्रैक्टिकल जिंदगी में दाखिल होंगे या दाखिल होते हैं, तो इन्हें यही चीज़ के ऊपर फिर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. किसी भी चीज़ के लिए आप जानते हैं, इफ़ यू आर एन एडल्ट, यू नो दैट यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट. वो हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म होता जा रहा है. हमारे दीन में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन की बहुत वैल्यू है. 5 वक्त की नमाज पढ़ना, उसको उसके प्रॉपर जो उसके आदाब हैं उसके साथ अदा करना, इट टीचेस यू डिसिप्लिन. वक्त की पाबंदी करके वक्त पे नमाज पढ़ना, इट टीचेस यू डिसिप्लिन. ये चीज़ें भी हमारे माशरे से अब उठती जा रही हैं. जिम्मेदारी का एहसास उठ गया. ये तमाम चीज़ें एक्चुअली उसको फीड करती हैं, विच देन टर्न्स इनटू अ पर्सनैलिटी विच हैज़ द एबिलिटी टू स्टे फोकस, दैट हैज़ द एबिलिटी टू स्टे, जिसको ग्रिट कहते हैं. उनके अंदर वो चीज़ आती है कि मुश्किल हालात में वो घबरा के उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में जब कुछ अचीव करना चाहा तो मैंने देखा है कि ये एक इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर वैसे पैदा नहीं हो रही तो मैं ऐसे हालात कर लेती हूँ कि जिसको आप कहते हैं किश्तियाँ जला दी, किश्तियाँ जला देती हूँ कि अब कोई चारा ही नहीं है. अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का गोल है विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड यू फाइंड कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू स्टे डिसिप्लिन, तो उसमें आप अपने माइंड में कुछ ऐसा क्रिएट करें कि मेरी किश्तियाँ जल चुकी हैं, आई हैव नो सेफ्टी नेट. सेफ्टी नेट आप तब रखते हैं सिर्फ जब आपके दिमाग में एक चोर दरवाज़ा होता है कि अगर ये चीज़ ना हो सकी तो चलो मेरे पास ये ऑप्शन तो है ना. That doesn't create success. Option दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए. अगर किसी चीज का इरादा किया तो फिर या ये होगा या फिर मैंने नहीं रहना. इस तरह का माइंडसेट क्रिएट करें कि I will achieve this. There is no option. Then you will find that you have discipline and you have grit. You have the ability to stay tenacious.